लखनऊ से बड़ी खबर, जहां बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, तो स्पीकर की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सीएम योगी समेत विपक्षी नेता, 18 फरवरी से शुरू हो रहा है यूपी का बजट सत्र। तो गुरुवार को यानी कल से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, और उससे पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाकर तमाम नेताओं और हैकों से ये अपील की जा रही है कि जो सदन की कार्यवाही है वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलने दें, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उसको लेकर यहाँ पर चर्चा हो, उनसे जुड़ी योजनाओं को लेकर चर्चा हो। तो सीएम योगी समेत विपक्ष के नेता इस बैठक में शामिल। संवाददाता आदित्य द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, बैठक को लेकर ताजा अपडेट। देखिए, लगभग 12:30 बजे बैठक शुरू हुई थी, जिसमें सभी दलों के नेताओं को बुलाया गया था। कांग्रेस से कोई भी बड़े नेता नहीं आ पाए थे। उसकी खास वजह रही कि आज आजमगढ़ में प्रियंका गांधी पहुंची हुई थी, तो वहां पर सभी शीर्ष नेता वहां पहुंचे हुए थे। इसकी वजह से बाकी सभी दलों के सपा बसपा सभी दलों के नेता यहाँ पर आए हुए थे। उनके साथ कांग्रेस बैठाने की पूरी कोशिश की गई। हृदयनारायण दीक्षित, जो की विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनकी बातें सुनी बहुत तसल्ली से, और उन्होंने विपक्षियों ने भी अपनी सारी बातें रखी। इस बीच काफी देर समझाने बुझाने की बातें की, विपक्षियों ने रखी गई। आदित्य, इस बैठक में क्या कुछ मुद्दे रहे? मुख्य मुद्दा किसानों की समस्याओं से लेकर के किसानों को जो समय से बिजली नहीं मिल पा रही ग्रामीण क्षेत्रों में, वो मुद्दा रहा। इसके अलावा कानून व्यवस्था को भी विपक्ष ने मुद्दा बनाने की कोशिश की। इस पर योगी ने भी समझाया, और उनको इसी तरह से सामने से बैठाने की आज पूरी एक्सरसाइज चलती रही। लेकिन इतना तो तय है कि कल जब सत्र चालू होगा तो विपक्षियों का तेवर मुखर होगा और वो वहां पर बिल्कुल जाहिर तौर पर परंपरा के तहत ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, क्योंकि कल से जो है वो सदन की कार्यवाही शुरू होने जा रही है बजट सत्र को लेकर, और ऐसे में अपील तो यहाँ पर कर दी गई है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बैठक में क्या प्रारूप यहाँ पर रहा है, और माना यही जा रहा है कि जो विपक्ष है वो हंगामा करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसे कि आपने कांग्रेस की तरफ से कोई इस बैठक में शामिल नहीं हुआ, उसके पीछे वजह बताई, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक वजह यह भी हो सकती है कि कांग्रेस को साफ तौर पर जो कई मुद्दे हैं जो लगातार मुखर होकर यहाँ पर किए जा रहे हैं, जिन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो सदन में उनकी तरफ से गूंजते हुए दिखाई देंगे, चाहे अपील बेशक कोई कुछ भी होती रहे। कांग्रेस देखिए मुखर रही थी, कांग्रेस के साथ सभी विपक्षी दल मुखर रहे थे। कांग्रेस के यहाँ पर विधान परिषद के मिस्टर सैनी जो है वो उपस्थित थे, बाकी सभी नेता क्योंकि प्रियंका गांधी आजमगढ़ आई हुई थी तो इसलिए सभी वहां पहुंचे हुए थे। लेकिन हाँ, मुखर रहेंगे, उनका जो तेवर होगा वो यहाँ पर हंगामे वाला ही होगा, सरकार को घेरने वाला होगा, और सरकार को पूरी तरह से सारा विपक्ष घेरेगा, इतना तो तय है। चलिए आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।